हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज मैंने क्रिएट किया अपना क्रिसमस मेकअप लुक। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। सो इस मेकअप लुक के लिए मैंने क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया है। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति राणा। सो आज मैं करने जा रही हूँ अपना क्रिसमस मेकअप लुक। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले आप अपना फेस वॉश कर लें और उसके बाद ही अप्लाई करें कोल्ड क्रीम, बिकॉज विंटर का सीज़न है और तो विंटर में जो है आपका फेस ड्राई हो जाता है, तो इसलिए आप इसको यूज़ करें कोल्ड क्रीम जो भी आपको सूट करती हो। बट मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था क्योंकि मेरा जो फेस था बहुत ही ड्राई लग रहा था। सो अब मैं अप्लाई करूँगी ये प्राइमर, तो इसको मैं थोड़ा सा निकालूँगी ये इस तरीके से। तो इसको लगाएंगे अपने फेस पे। सो मैं इस तरीके से अपने पूरे फेस पे इसको लगाऊंगी अच्छे से। ऐसे मसाज करना है, बहुत ही ठंडा ठंडा लग रहा है बिल्कुल ये। तो अभी मैंने इसको लगा लिया है और नेक्स्ट मैं लगाऊंगी इसके बाद फाउंडेशन। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये फाउंडेशन हुडा ब्यूटी का, तो इसको अब मैं लगाऊंगी। तो इसको मैंने ना थोड़ा सा निकाल लिया है इतना सा, और मैं इसको ऐसे टैप टैप करके लगाऊंगी। अब फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड भी करूंगी, बट उससे पहले मैं इसको इस तरीके से टैप टैप कर लेती हूँ। फोरहेड में बचा हुआ तो इसको भी मैं इस तरीके से टैप टैप कर लेती हूँ, और नोज़ी बची हुई है नोज़ी में भी करूँगी। तो मेरे यहाँ पे बैकग्राउंड साउंड बहुत आता है तो उसको इग्नोर करें। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर जो है वॉइस रिकॉर्डिंग वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं वीडियो बना लूँ और उसके बाद रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मेरे यहाँ से बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़्यादा आता है, आपको तो पता ही है। सो इसको मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लेती हूँ। मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, तो मेरा फाउंडेशन जो बीबी प्लस फाउंडेशन था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा इसको क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अच्छा लग रहा है ये भी फाउंडेशन, मैंने सोचा नहीं था ये इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क करेगा। अभी मेरे होंठ जो हैं काले पड़ जाएंगे इस फाउंडेशन को लगाने के बाद। तो ये तो मैंने लगा लिया है फाउंडेशन, अभी ना इसको थोड़ा सा मैं ड्राई होने दूंगी, तो तब तक मैं इसको इस तरीके से टैप टैप कर लेती हूँ। और ये नेक पोर्शन में भी डार्क सा रह गया है तो ये भी इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। तो ये हो चुका है ब्लेंड पूरे फेस पे, और अब मैं लगाऊंगी कंसीलर, बिकॉज़ ये आईज़ पे जो है डार्क सर्कल दिख रहे हैं थोड़े से, तो इसको भी मैं ब्लेंड करूंगी। सो अभी बारी आती है कंसीलर की, तो ये वाला कंसीलर मैं लगा रही हूँ। इसको ना आप कैरी कर सकते हो ईज़िली, और ये फाउंडेशन का भी काम करता है। अगर आपको फाउंडेशन नहीं लगाना है कंसीलर ही लगाना है तो इसको भी लगा सकते हो, बट फाउंडेशन लगाने के बाद आपका कलर जो है और ही अच्छा लगता है। तो इसको मैं इस तरीके से जो है ब्लेंड कर लेती हूँ, और इसके बाद हम करेंगे फेस कॉन्टूरिंग। देखा ना, गायब हो गया मेरे डार्क सर्कल।
तो फाउंडेशन लगा लिया, कंसीलर भी लगा लिया, अब बारी आती है कंटूर की। तो ये है मेरा कंटूर किट, सो इसको जल्दी से ओपन करती हूँ। सो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पैक कर रखा है कि तो इसका जो बॉक्स है पुराना ना पड़ जाए। तो अब बारी आती है कंटूरिंग की। तो डार्क वाला शेड मैं यूज़ करूँगी, ये वाला। तो इसको मैं लगाऊंगी इस तरीके से। तो ये ख़त्म होने वाला है, बट ज़्यादातर मैं यही वाला कंटूरिंग यूज़ करती हूँ। इसकी ये जो ब्रश है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बड़ा मज़ा आता है इसको लगाने के बाद। इस तरीके से मैं कंटूरिंग कर लूँगी और ये यहाँ से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया। तो इसको मैं इस तरीके से कंटूर कर लूँगी अपने फेस को। और अब रह गया मेरा चीक, चिन लाइन रह गई। सो मैंने इसको कर लिया है ब्लेंड, कंटूरिंग तो कर लिया। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं पड़ती है यार, वैसे ही सही लगता है फेस पर, कर लेती हूँ, ज़रूरी होता है। तो मैंने पूरे फेस की जो है कंटूरिंग भी कर ली है। और अब क्या करना है, तो इसको मैं वापस फिर से पैक कर देती हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन। तो इसको मैं इस तरीके से लगाऊंगी। इसको इस तरीके से मैं ब्लेंड कर लूंगी। आईज पे, फोरहेड, सो इसको वापस फिर से मैं रख देती हूँ। फाउंडेशन मैंने लगा लिया है, फेस पाउडर भी लगा लिया है, और इसके बाद करेंगे नेक्स्ट आई मेकअप। लगाऊंगी ये म्यूजिक फ्लावर आईलाइनर जेल, ये आईब्रो शेड के लिए यूज़ करते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी ब्राउन शेड, बिकॉज मेरे बाल जो हैं ब्राउन कलर हैं, तो मैं इसमें से ब्राउन वाला शेड यूज़ कर रही हूँ। सो इसके लिए मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मिरर भी निकाल लेती हूँ मैं अपना। तो ये निकल गया मेरा मिरर, और अब मैं बनाऊँगी अपने आईब्रोस। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लूँगी इसमें आईब्रो शेड, और इस तरीके से मैं ब्लेंड करूंगी इसको। ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा ये। तो ये तो बन चुके हैं मेरे आईब्रो, और आप चाहें तो पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको लगाने के बाद ना, अगर आप ऐसे हाथ भी लेके जाओगे तो ये निकल जाएगा। तो कोशिश करें कि पेंसिल यूज़ करें। तो मुझे तो कहीं जाना नहीं है, तो इसलिए मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ मैं पेंसिल, आईब्रो पेंसिल ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो इसको मैं इस तरीके से ऐसे ब्लेंड कर लूँगी इस ब्रश से। ज़्यादा मोटा बन गया, ये वाला थोड़ा डार्क दिख रहा है,
और ये वाला थोड़ा लाइट दिख रहा है, तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा मुझे। सो मैं इसको आईब्रो पेंसिल तो मैंने लगा लिया है, बट इसके बाद मैं लगाऊंगी ये फाउंडेशन नहीं मतलब आई शेडो, सब मुझे फाउंडेशन ही लगते हैं, जिसको जो भी मेकअप प्रोडक्ट मुझे मिल जाए सब सबसे पहले फाउंडेशन ही याद आता है, बिकॉज ये पेंसिल है छोटी सी। तो मैं इसमें लगाऊंगी न्यूड वाला शेड, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे ना मेकअप आपको अच्छा लगता है, पता भी नहीं चलता सामने वाले को कि मेकअप भी लगाया और आपकी आईज़ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो मैं न्यूड वाला शेड जो है यूज़ कर रही हूँ, आपको दिखा देती हूँ, पता नहीं चल रहा होगा कैमरे में। सो इसके बाद ये वाली आईज़ में भी इसी तरीके से मैं लगाऊंगी और इस पर जो है कोटिंग करूंगी और भी शेड्स की, एटलीस्ट लगना तो चाहिए यार, शेड लगाए कोई। तो मैंने तो लगा लिया है आई शेड और इसके लिए मैं ये वाला शिमर यूज़ करूँगी, ये वाला गोल्डन वाला। तो ये तो हो चुका है गोल्डन शेड कंप्लीट। तो अब बारी आती है काजल की, तो मैं ये ब्लैक पेंसिल यूज़ कर रही हूँ काजल के लिए। काजल भी मैंने लगा लिया है, तो आज मैं यूज़ करूँगी मैग्नेटिक आई लैशेस। तो उसके लिए ना मुझे जो है, अगर लाइनर लगा लेते हैं तो पता नहीं चलता है उसके अंदर कि मतलब कहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है मैग्नेटिक आई लैशेस में लाइनर दिया गया होता है, तो अगर लाइनर लगा भी लेते हैं तो अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैं जो है इसको पहले लगा ले रही हूँ और इसके बाद मैं फिर ऊपर से जो है लाइनर भी लगाऊंगी। तो उसके लिए मैं ये मैग्नेटिक आईलाइनर यूज़ करूंगी अपने मैग्नेटिक लैशेस लगाने के लिए। तो मैं यहाँ से जो है लाइनिंग बना लेती हूँ। तो मैंने लाइनर तो लगा लिया है, अब इसको ड्राई होने देते हैं, ठीक है। तो जब तक मेरा लाइनर जो है सूख नहीं जाता तब तक मैं ब्लश कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैं ये पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ इसमें से। तो अब मैं अपने चिक्स को जो है ब्लश कर लूँगी, स्माइल एंड ब्लश। सो मैं यूज़ करूँगी ये वाली मीडियम वाली लैशेस, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ, निकल भी नहीं रही है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनको मैं अच्छे से ऐसे। सो ज़्यादातर मैं कम वाली ही यूज़ करती हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से जो है एडजस्ट कर लूँगी। ये विदाउट ग्लू मैंने लगाया मैग्नेटिक लैशेस को,
और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है एडजस्ट हो जाती है। इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था। तो ये तो मैंने लगा लिया है, अब सेकंड वाला भी मैं इसी तरीके से लगाऊंगी। अच्छी लग रही है ना ये लैसेस। सो मेरा आई मेकअप तो हो चुका है कंप्लीट, और अब मैं लगाऊंगी लिप में लिपस्टिक। तो उसके लिए पहले तो मैं ये वैसलीन लगा लेती हूँ। वैसलीन नहीं है, लिप लाइट है, तो इसको मैं इस तरीके से लगा लेती हूँ और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। तो कौन सी लगाऊँ, न्यूड शेड या रेड? रेड अच्छी लगेगी, या फिर तो रेड के लिए मेरे पास एक ये वाली लिपस्टिक है और एक ये है। ये दोनों मैंने माई ग्लैम से मंगाई हैं और रेड यूज़ करना चाहिए। न्यूड शेड मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई थी, रेड भी लगाती हूँ तो रेड अच्छी लगती है। सो रेड लिपस्टिक के लिए मैं रेड लिपस्टिक निकालती हूँ। सो आईज़ पे अगर आपने लाइट मेकअप किया हो तो लिप्स पे आप हैवी मेकअप कर सकते हो। तो मैं ये वाली लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड। इसको मैं इस तरीके से सो लिपस्टिक तो मैंने लगा ली है और अब बारी आती है हेयर डू की। सो ये जो है लिक्विड लिपस्टिक है और इसको ड्राई होने में ना थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं तो लिपस्टिक लगा के बिल्कुल परफेक्ट बन चुकी हूँ, तो मुझे लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आप बिगनर हैं और आपको अगर लिपस्टिक नहीं लगानी आती है तो इस वाले लिपस्टिक के लिए जो है आप पहले लाइनर लगाएं और उसके बाद इसको अप्लाई करें, तो ये लिपस्टिक आपके ऊपर और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। सो अब बारी आती है हेयर डू की। वैसे तो इसमें ही बढ़िया लग रही हूँ यार ये, तो हेयर डू करना चाहिए मुझे। तो इसके लिए मुझे अपने बाल सारे ओपन करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं इयररिंग पहनूंगी, अपने गोल वाले इयररिंग पहनूंगी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो उससे पहले मैं अपना हेयर जो है कॉम कर लेती हूँ। सो बालों को मैंने कर लिया है कॉम और मैंने पहना है ये चोकर, से ब्लैक इन कलर है। और इसके बाद मैं पहनूंगी ये वाली इयररिंग, इसके साथ ये भी निकल के आ रहा है, इसको मैं निकाल लेती हूँ। सो ये गोल वाले इयररिंग जो हैं सूट करते हैं फेस पे और मुझे अच्छे भी लगते हैं। इनको कैरी करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है तो इसलिए मैं इनको पहनती हूँ, और ये किसी के भी ऊपर अच्छे लग सकते हैं, बस उसके लिए मेकअप उस तरीके का करना पड़ेगा आपको। तो मेरा मेकअप तो हो चुका है और मेरे पास है ये वाली हेयर क्लिप, तो इसमें हार्ट बना हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे जो है एडजस्ट कर लूँगी। नहीं, इसके लिए मुझे पहले क्लिप लगानी पड़ेगी तब जाके ये एडजस्ट होगा। तो
इसके लिए मैं क्लिप लगा लेती हूँ इस तरीके से, और अब मैं लगाऊंगी इसको। तो मैंने लगा लिया है। सो मैंने पहना है ये चोकर और ये सिल्वर कलर के इयररिंग और रेड कलर की ये हार्ट शेप हेयर क्लिप, और साइड पे यहाँ से हेयर्स के साथ मैंने क्लिप लगा दी, बिकॉज ये जो बाल हैं ये फेस पे लगते हैं, तो इस वजह से मैंने सारे अपने हेयर्स को अच्छे तरीके से टक कर दिया है हेयर क्लिप की हेल्प से। तो दिस वन इज़ माई फाइनल मेकअप लुक। और ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। और भी ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।